सरकार से हम ये अपील करेंगे कि किसी तरह हमारे गुरुजी को बाहर लाने की जरूरत है, और हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, मोदी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं या गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं जी, ऐसे संतों को कि बंद करके न रखा जाए, इनकी समाज सुधार जो संत करते हैं उनको बाहर लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा वेसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का रियल फैक्ट जानने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनता से सवाल करते हैं। जनता का आज सेन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में क्या कहना है? नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? किशन इंसा जी। डेरा सच्चा सौदा वेसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में क्या कहोगे सर? देखो जी, जब से हम डेरे से जुड़े हैं तो पहले मैं इतना नशा करता था जी, सुबह शाम दारू पीता था, मीट मांग से खाता था। तो मुझे हमारे एक अपने ब्लॉक के जिम्मेदार थे, वो मुझे डेरे पे, उन्होंने मुझे नामदान के लिए बोला गया। मैं जब डेरे में सत्संग सुनने के बाद मैंने डेरा सच्चा सौदा से नाम लिया। मेरा पूरा परिवार और मेरे दो बच्चे हैं, पूरा परिवार मेरा डेरे से जुड़ा हुआ है, और मैं डेरे में हर मीटिंग में, हर सत्संग में मैं डेरा को मतलब पूरा समर्थन करता हूँ और बराबर मैं डेरे में जाता हूँ। उसके बाद मेरे घर में ऐसी खुशहाली आ गई कि जैसे कोई पेड़ लगाते हैं ना उसमें फल आते हैं, ऐसे मेरे मतलब घर में खुशहाली आ गई। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था। तो गुरुजी ने जैसे समाज सेवा के लिए इतने बढ़िया काम किए हैं तो उसको हम कह नहीं सकते जी, ये कह नहीं सकते हैं। क्यों, क्या क्या काम उन्होंने देश के लिए या समाज के लिए? देश के लिए उन्होंने ऐसा काम किया, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई, समाज सेवा करी, सफाई अभियान चलाए, ठीक है जी, पूरे अच्छा पौधारोपण किया, उसमें हम पूरा पूरा हर जगह दिल्ली में, और जो गंगा की सफाई करी हम हर सफाई अभियान में जाते थे। सुनामी जैसे लहरों को उन्होंने यहाँ से 700 सेवादार भेज के नेपाल जैसे, ठीक है, नेपाल में जब भूकंप आया था वहाँ हम खुद सेवादार थे, वहाँ तक हम पहुँचे हुए नेपाल तक जी, जी, जी। तो ऐसी हम इतने काम गुरुजी ने करे, तो हम सरकार से यही अपील करते हैं, ऐसे जो समाज सेवा और समाज सेवा करते हैं संत लोग जितने भी हैं, तो उनको इस तरह मतलब जरूरत है, इतनी जरूरत है कि जो बाहर इतनी रुइयां तड़प रही हैं उनके लिए आज के टाइम में जिनको नामदान नहीं मिल रहा है, दुनिया भर के नशा कर रहे हैं, नशा मुक्ति इतना बुरा हाल है देश में कि सरकार से हमारी यही अपील है उनको किसी तरह मतलब बाहर लिया जाए। एक तरफ उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं सर, दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने आरोप लगाए गए, इसके बारे में आपकी क्या राय? आरोप तो जी हम क्या कहते हैं कि ये तो एक जो गुरुजी ने अभियान चलाए थे वो आज सारे सरकार चला रही है, ठीक है, अपना अंगुली सिद्ध करने के लिए ये सारे अभियान इन्होंने अपने हाथ में ले लिए, तो ये है जी हमारा कहना, इतना ही है बस। आपका क्या कहना है, गुरुजी किस तरह के हैं, कैसा नेचर है उनका? हम डेरे में बराबर जाते थे, जो मीडिया ने दिखाया था वो आज तक हमने डेरे में कभी देखा नहीं, न कभी सुना है। मेरे बच्चे 15-15 दिन, मेरी मैडम 15-15 दिन वहाँ अकेले सेवा करती है, और मैं घर पर अपने ड्यूटी करने वाला आदमी खुद अपने हाथ से रोटी बना के मैं काम करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं ड्यूटी वाला हूँ, तू सेवा कर, 15-15 दिन महीना दिन सेवा करती मेरी मिसिज। तो अगर मेरे गुरुजी पर मुझे अगर डाउट होता तो मैं अपनी मैडम को अकेले क्यों भेजता डेरे पे? जी जी जी। हैं, मुझे क्या पड़ी अपनी मैडम को मैं अकेले सेवा में भेजने की? मैं कहता भाई मैं घर का संभालता हूँ, तू सेवा कर, मैं खुद भेजता हूँ। तो लोग ऐसे ऐसे सवाल उठाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम आज से 30-35 साल से डेरे में जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। सरकार ने तो ऐसा कर रखा है कि भाई सारे आरोप लगा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज को आज उनकी कितनी जरूरत? बहुत ज्यादा जरूरत है, लोग बाग नशा मुक्ति करने लगे, जब से गुरुजी अंदर हुए हैं नशा बढ़ गया है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र में शाम सुबह शाम बाहर नहीं निकल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार जनता जो जवाब दे रही है, जनता बता रही है कि आज समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बहुत जरूरत है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, ये कोई सूत्र नहीं है, रियल फैक्ट लगातार आपके सामने आकर बता रहे हैं क्या है रियलिटी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की, डेरा सच्चा सौदा की। अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।